अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेकोमेटिक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट टेक्स्ट बिहाइंड इमेज बाय जस्ट यूजिंग योर मोबाइल फोन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स जो हैं, अपने यूट्यूब थंबनेल्स के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखते होंगे जो इमेज के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो बिहाइंड द पर्सन या बिहाइंड द जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे राइट कर लेते हैं। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास वैसे सॉफ्टवेयर्स और पीसीज भी नहीं हैं जो ये काम कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डालते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो कैसे आप अपने यूट्यूब थंबनेल्स या पिक्चर्स के अंदर टेक्स्ट को जो है बिहाइंड द इमेज राइट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के पीछे राइट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर स्मार्टफोन। सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगा। आपको किसी सॉफ्टवेयर या किसी भी पीसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन पर ही कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू राइट टेक्स्ट बिहाइंड द इमेज बाय जस्ट यूजिंग योर स्मार्टफोन। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, एक इंटरनेट कनेक्शन, वो आपके पास लाजमी होगा, तभी तो आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और नंबर 2, आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, बहुत सारे लोगों के पास होगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक इमेज पिक कर लेता हूँ, मैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिंपल एक जो टेक्स्ट है वो सामने आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप क्या करूँगा, एक रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इमेज साइज़ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 16:9। आपके जो भी इमेज का रेजोल्यूशन हो, जो भी साइज़ हो, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अब टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरी इमेज है उसको मैं ये जो इमेज है ले लेता हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैंने फॉर यहाँ पर बिल्कुल मिड में जो है प्लेस कर दिया है, इसको मैं इसका जो रेजोल्यूशन है उसको सॉरी जो साइज़ है उसको मैं बिल्कुल नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस इमेज को लॉक कर देता हूँ। अब आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है, अब इंटरनेट की आपको कैसे ज़रूरत है, आपने क्या करना है, बिल्कुल बैक चले जाना है, उसके बाद आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है remove.bg, एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है। आपको इसका पर्पज़ भी समझा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड इमेज के ऊपर करना है, यहाँ से आपने ब्राउज कर लेना है और वो जो इमेज है जिसका आपने टेक्स्ट रिमूव करना है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ह्यूमन पर्सन है जो भी है, ठीक है, आपने उसको पिक कर लेना है। ये वेबसाइट क्या करेगी कि आपको उस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके दे देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे इसको आपने कर लेना है डाउनलोड, यहाँ पे मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे पिक्सल लैब में हम चले जाते हैं और अब आपने क्या करना है, जो भी आपने जो इमेज के अंदर टेक्स्ट राइट करना है यहाँ पे, यानी कि वो आपने कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई भी फर्ज करें जाके टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रैवल व्लॉग्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसको बिल्कुल मिड में। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी कोई फॉन्ट भी जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि रिसेंट में मैंने ये रखा हुआ था। अब इसको आपकी जिस तरह की मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी फॉन्ट वगैरह रखना चाहे यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर आपको सिर्फ एक रफ सा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब क्या करना है, जो आपने जिस जो इमेज का बैकग्राउंड आपने रिमूव किया था आपने वो इमेज जो है पिक कर लेनी। यहाँ पे मैंने उठा ली। अब इसको मैं इसके मुताबिक जो है साइज़ जो है इसका एडजस्ट कर लूँगा। आपने ध्यान से, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, तो आपने जिस तरह आपका करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम आराम से आप करेंगे तो आपका इजीली इसके ऊपर इमेज के ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इमेज बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अगर आपका टेक्स्ट सही ना रखा जा रहा हो, दरमियान में ना हो, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो है हम
अपने जो इमेज बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि किसी भी पर्सन के बिहाइंड या ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो टेक्स्ट है उसको राइट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। तो अगर अब आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अब आखिरी जो सवाल रह गया कि हम इस वीडियो पिक्चर को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन होगा। यहाँ से आप जाके जिस रेजोल्यूशन में PNG या JPG में आप एक्सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चूजिंग टेकोमेटिक।